Hit the subscribe button and ring the bell for latest update from Tutorial Friend. Welcome back again guys. आज हम बात करने वाले हैं इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन की ट्रिक के बारे में. तो सबसे पहले हम जानेंगे कोडॉन क्या होता है. तो होता क्या है कि हमारे शरीर में स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन होती है. हमारे सर वो प्रोटीन एंजाइम एक्टिविटी भी प्रोटीन से ही डिसाइड होती है. तो शरीर को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉलीमर है. तो पॉलीमर कैसे बनता है, कई सारे अमीनो एसिड मिलते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होकर प्रोटीन बनती है. अब अमीनो एसिड्स के मिलने से जो प्रोटीन बनती है, तो अमीनो एसिड कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनानी है या फिर रेगुलेटरी प्रोटीन बनानी है और किसी भी टाइप की कोई एंजाइम एक्टिविटीज प्रोटीन बनानी है. तो उस जो डिफरेंशिएशन इन्फॉर्मेशन होता है वो mRNA पे उपस्थित न्यूक्लियोटाइड बेस देते हैं कि तुम्हें किस टाइप की प्रोटीन बनानी है. तो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कोडन होता है. तो गैस मैंने यहाँ पर यही बताने की ट्राई की है कि mRNA पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो अमीनो एसिड को देनी पड़ती हैं. तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो देता है, उसे ही कोडन कहते हैं. तो जो कोडन मिलता है ये ट्रिपलेट के रूप में मिलता है, यानी कि तीन बेस मिल के एक कोडन बनाते हैं. जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, tRNA की जो एंटी कोडन जो नीचे वाली गुमन डोम शेप स्ट्रक्चर है, वो नीचे जो बन रहा है mRNA वहाँ पे अटैच हो रही है. तो mRNA पे जो कोडन होगा वो जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में, वो कोडन होगा. अब इनिशिएशन में क्या होता है, हमारे पास एक ट्रिक है अग्रसेन, यानी कि अग्र यानी कि आगे, जो उसे पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएशन को शुरू करेगा. उग्र यानी कि बैड हैबिट एंड इट विल टर्मिनेट द पॉलीपेप्टाइड चेन. सो उग्र यानी कि UAG. और अब जी और ग्वानिन और एडिनिन बेस को आप चेंज कर दोगे तो UGA, UAG और UAA, ये स्टॉप कोडन है. आप देख सकते हो उग्र UAG दोनों चेंज किया UGA और UAA, ये स्टॉप कोडन है. यानी कि ये किसी भी अमीनो एसिड को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इनके आते ही पॉलीपेप्टाइड चेन क्लीवेज हो जाती है, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड ख़त्म हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी. तो इसीलिए इन्हें नॉन सेंस कोडन कहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन टू डिटरमिनेट द अमीनो एसिड. सो दैट्स वाई वी कॉल इट नॉन सेंस कोडन.